Hello learners, this is Dhwani Gandhi, your verified class educator on the Unacademy platform. I teach you for subjects of accountancy, business studies, English literature for class 11th and 12th. A very warm welcome to you all हमारे Unacademy के platform पर जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटा सा video update. ये स्पेशली होने वाला है आपके छोटे भाई बहनों के लिए, या यूं कहूँ कि हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत जल्द हमें 11th स्टैंडर्ड में ज्वाइन करने वाले हैं. तो गाइस, दिस अपडेट इज स्पेशली कमिंग अप फॉर यू ऑल फ्रॉम सीबीएसई. तो चलिए देखते हैं कि ये एग्जैक्टली अपडेट क्या है आप सभी के लिए. तो जैसे कि आप देख सकते हो, 2 फरवरी को ही जो है आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का डेट शीट जो है रिलीज हो चुका था. आपका पूरा टाइम टेबल जो है क्लास 12th वाले जो है हमारे, उनका मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है मैंने आपके लिए सारा डॉक्यूमेंट लिंक. और उसके साथ साथ ही यहाँ यूट्यूब पर ही यही सेम चैनल पर मैंने आपका वीडियो भी कवर कर लिया था, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेट शीट्स और डेट्स जो ऑफ क्लास 10th और क्लास 12th सभी हमने डिस्कस कर रखे थे. अब इसके बाद में जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज बन के आ रही है आप सभी के लिए इज दैट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2021 में कोई भी बच्चा क्लास 10 में फेल नहीं होगा. नो स्टूडेंट विल फेल इन क्लास 10. और ये सुनते ही सब में जो है एकदम धूम मच गई थी. एवरीबडी इज नाउ सो मच कंफ्यूज कि मैम एग्जैक्टली सीन क्या होने वाला है, और अगर ऐसा ही है कि कोई फेल नहीं होने वाला है तो हम इतना प्रिपेयर क्यों करें क्लास 10 बोर्ड्स के लिए, ऐसे ही जाके दे आते हैं. तो इसमें एक्चुअली कितनी सच्चाई है और क्या सही पॉइंट है इसमें, दैट इज समथिंग आई एम गोना एक्सप्लेन यू राइट नाउ. तो अगर आपके कोई जूनियर भाई बहन है, कजिन्स है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, या आप खुद क्लास 10th के बच्चे हो, या आप कोई पेरेंट्स हो जिसके जो बच्चे हैं वो क्लास 10th में है, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया आ रहा है. तो जैसे कि आप सबको जानते हैं कि आपके मेन जो है इंग्लिश और लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ये तो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते ही होते हैं. इसके अलावा आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आते हैं 3, विच इज साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, करेक्ट. तो अभी एक्चुअली बोर्ड्स में से बात ये आई है सीबीएसई की ओर से कि लेट अस से बाय चांस अगर आप इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हो, ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हो, तो उस एक सब्जेक्ट को आप रिप्लेस कर सकते हो आपके सिलेक्टेड स्किल सब्जेक्ट से. मतलब जो आपका छठा एडिशनल सब्जेक्ट पेपर आप जो चूज करते हो, अगर लेट अस से ऐसी सिचुएशन आ जाती कि फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ सब्जेक्ट जो है उसमें कुछ हो गया और उसके वजह से आपने लेट अस से 20-25 ए रेंज में स्कोर कर दिया, मतलब आप फेल हो चुके हो, करेक्ट. साइंस में 50, सोशल साइंस में 60 आप पास हो गए हो, बट मैथ्स में पर्टिकुलरली आप ब्लू बैग, 20-25 आपका जो स्कोर आया है. तो अब क्या होगा इससे, अगर लेट से आपने आपका जो 6 सब्जेक्ट स्किल सब्जेक्ट जो है आपने लिया होगा उसमें आपका आ गया लेट से 45, तो फिर क्या होगा, ये 45 जो है आपके उस 25 को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इसके बाद में आपका बेस्ट ऑफ 5 लिया जाएगा. तो आपके जो 2 कोर मेन पेपर्स है कंपल्सरी वाले वो होंगे, इसके बाद में लेट्स से साइंस और सोशल साइंस जिनको आपने पास कर रखा है वो 2 सिलेक्ट होंगे, और जो आपके स्किल सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो गए होंगे तो वो लिया जाएगा. तो ये पूरा थ्योरी है अबाउट द फेल सब्जेक्ट एंड कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा वाला जो ये कॉन्सेप्ट आया था. पूरे न्यूज चैनल्स वगैरह हर जगह में ये हेडलाइंस बन गई थी, जैसे मैंने आपको ये वाला भी यहाँ पर बताया कि नो स्टूडेंट विल फेल इन क्लास 10. तो ये एग्जैक्टली चीज क्या है ये आपको बहुत ध्यान में रखनी है. मतलब पढ़ाई बेटा आपको अभी भी करनी ही है, जस्ट इन केस आपके इन 3 सब्जेक्ट्स में से बाय एनी चांस अगर एक हाथ सब्जेक्ट आपका जो है आप क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आपको चांस दिया जाता है कि जो आपको स्किल सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा और अगर उसमें आप पास हुए हो तो वो इन में से किसी एक को जिसमें भी आप फेल हुए हो उसको रिप्लेस कर देगा. मतलब मैम इसमें अगर ऐसा है कि हमने साइंस भी फेल हो गए हम और मैथ्स भी फेल हो गए, ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हम फेल हो गए, या साइंस सोशल साइंस फेल हो गए, या मैम तीनों ही सब्जेक्ट्स फेल हो गए, तो क्या हमारा चांस है कि कोई और पेपर जो हमारा रिप्लेस करेगा? तो ऑब्वियसली नॉट. ऐसे केस में आप पास नहीं होंगे, आपको कंपार्टमेंट एग्जाम जो है वो देनी पड़ेगी ऑफकोर्स, क्योंकि बात यहाँ ये बन जाती है कि आपको अलाउड सिर्फ एक सब्जेक्ट है और इन तीनों में से ही अलाउड है. इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इन तीनों में से ही अलाउड है. आप बोलो मैम इंग्लिश में फेल हुए तो रिप्लेस होगा क्या, तो वो भी नहीं होगा. ये बहुत अच्छे से आपने ध्यान में रखना है गाइस, प्लीज कंफ्यूज होइएगा मत. ये सारी चीजों पे जो आपको घुमा फिरा के चीजें बोली जाती है उन पे विश्वास मत रखिएगा. व्हाट आई एम टेलिंग राइट नाउ यू इज द ओनली ट्रूथ आउट देयर. यही आपको समझना है, यही क्लियर कट अपने दिमाग में शॉर्ट में ध्यान में रखना है. लंबे लंबे वीडियोज जो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है जिसमें आपको कंटिन्यूसली इतना कुछ कुछ बोला जाएगा. दिस इज आर क्विक शॉर्ट अपडेट एंड गाइज
बेस्ट पार्ट योर इज कि क्योंकि आप अपना क्लास 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9 या फिर कोई और भी एग्जाम आप लाइक चूज कर रहे हो अपने आप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वी एट अनअकैडमी हैव गॉट यू द प्लस सब्सक्रिप्शन। इसमें आप घर बैठे ढेर सारी पढ़ाई कर सकते हो ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन एक सब्सक्रिप्शन। मतलब जैसे नेटफ्लिक्स होता है उसमें आप एक सब्सक्रिप्शन यूज करके जितने भी मंथ के लिए आप वो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उसमें पुराने वाले, अभी आने वाले, जो अभी चल रहे हैं वो सारी मूवीज शोज वगैरह आप देख सकते हो, कोई भी हो, भले वो फिर इंडिया का हो कि कहीं यूएस का हो या यूके का हो, आप सारे वहां पर देख सकते हो। तो वैसे ही किसी भी टीचर का जो आपके पर्टिकुलर गोल में आपको सिखा रहे हो, आप जिस क्लास में हो उस सब्जेक्ट में आपको जो भी सिखा रहे हो टीचर, आप उन सारे टीचर्स का एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है लेसन देख सकते हो। हम आपके लिए लाइव क्विजेस भी लेंगे, आपको डाउट्स पूछने के लिए हमारे यहाँ पर सेपरेटली फीचर है जहां पर आप अपने डाउट्स एनी टाइम पूछ सकते हो। आपके लिए हम लाइव टेस्ट सीरीज लेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मात्रा में हम आपकी कराएंगे, इसके अलावा आपके रिटन प्रैक्टिस टेस्ट वो भी लेंगे। तो गाइज इतना सब एक छोटे से सब्सक्रिप्शन में कौन ऑफर करता है यार, प्लीज डू नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग इट। आइकॉनिक के भी फीचर्स हमारे यहाँ पे जो आपको एडिशनली पर्सनल मेंटर वगैरह दिए जाएंगे, तो ये सारे के सारे फीचर्स जो है आपको अवेलेबल है। ऑल यू नीड टू डू इज, भले आप 10th के हो तो आपके बोर्ड एग्जाम जो है एनी टाइम सून स्टार्ट होने वाले हैं, यू गाइज कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस 6 month सब्सक्रिप्शन जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं ओनली एट 9,000 rupees। तो मतलब सिर्फ 1,500 rupees अ मंथ में आपको जो है आपके सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो रहे हैं विद द बेस्ट फैकल्टीज दैट वी हैव फॉर यू। तो मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस कोड ओवर हियर ताकि आप जो है हमारा सब्सक्रिप्शंस बाय कर सके। आपको कोड यूज करना है DGD10 या फिर DGD Live जो आपको ऊपर दिख रहा है, या आप मेरा नाम यूज कर सकते हो DHWANI20 भी, ठीक है। इनमें से कोई भी कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट जो है आपके सब्सक्रिप्शंस पर मिल ही जाएगा। इसके अलावा क्लास 12 के स्टूडेंट जो हमारे साथ कनेक्टेड है, अगर आप लेट्स से आप बोल रहे हो कि मैम हमको 6 months नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 months चाहिए, तो आप लोगों के लिए हमारे पास 3 months का भी ऑफर अवेलेबल है एट ₹6,750 ओनली। सो दिस इज फ्रॉम आर एंड गाइज, मेक श्योर आप लोग अपने आप को जो है बेस्ट फैकल्टीज के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो, साथ साथ बेस्ट टिप्स के साथ भी अपना पेपर जो है स्मार्ट वर्क से टैकल कर रहे हो, हार्ड वर्क से नहीं। सो दिस इज योर एडुकेटर ध्वनि गांधी साइनिंग ऑफ फॉर यू ऑल गाइज। प्लीज स्टे ट्यून्ड ओवर हियर ऑन अनअकैडमी चैनल जहां पर हम आपके लिए जो है अलग अलग न्यूज अपडेट CBSE के रिलेटेड लेते आते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल जो यहाँ पर आपको राइट नाउ अनअकैडमी ध्वनि दिख रहा है। इसके अलावा मेरा प्रोफाइल लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन क्या आपके डाउट्स अभी क्लियर हो चुके हैं, स्टिल कोई कंफ्यूजन है, या आपने ये सारी जो अफवाहें हैं इनसे टैकल कर लिया है आपने, या अभी भी कोई कोई आप जानते हो जो आपको अलग से क्लास 10th में पास होने के ट्रिप्स एंड ट्रिक्स एंड नुस्खे बता रहे हैं कि फेल नहीं होंगे बेटा आप। तो लेट अस सी हाउ यू ऑल रिस्पॉन्ड टू मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी आंसरिंग यू ऑल देयर। सी यू टुडा, साइनिंग ऑफ फॉर यू ऑल गाइज, ध्वनि गांधी हियर फ्रॉम अनअकैडमी, बाय बाय।